आप डॉट एनर्जी भी किस तरह से मतलब? जब हमने ये डिसाइड किया था कि हमने सोलर पे अपना सिस्टम शिफ्ट करना है, उनको हमने एनालिसिस किया कॉस्ट वाइज और एफिशिएंसी वाइज, तो ये एक डॉट जो है एक नई प्रोडक्ट थी मार्केट में, इसकी एफिशिएंसी के बारे में हमें पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ऑन मोहम्मद और जूम सोलर सोल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने गाँव के अंदर, ये पकसदार गाँव है, यहाँ पे हमने जो है वो तकरीबन 60 पैनल यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से यहाँ पे पैनल्स जो है वो यहाँ पे दिए हैं और इन पैनल्स की एफिशिएंसी क्या है, कितने हॉर्स पावर की यहाँ पे मोटर काम कर रही है। इस वक्त यहाँ पे जो हमने पैनल्स प्रोवाइड किए हैं वो हैं डॉट एनर्जी के पैनल्स हैं। डॉट एनर्जी के जो पैनल्स हैं यहाँ पे, उनकी एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त आ रही है। ये 40 हॉर्स पावर की मोटर है और 60 पैनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिनका ट्यूबवेल्स है उनका कहना है कि हमारी जो बिजली है उससे ज्यादा हमें यहाँ पे एफिशिएंसी मिल रही है। तो डॉट एनर्जी चूंकि मार्केट में एक नया पैनल्स इंट्रोड्यूस हमने करवाया है, ये पैनल्स बाकी पैनल्स की निस्बत आपको क्यों परचेज करना चाहिए और किस तरह से ये बेहतर है? देखें, एक तो जो है एफिशिएंसी वो सबसे ज्यादा इसकी बेहतर है। मार्केट के अंदर जितने भी नामवर पैनल है उन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो ये क्लेम करता है, जो कि 22.70% इसकी एफिशिएंसी है। इसके बाद इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है और डबल ग्लास और सिंगल ग्लास दोनों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमने डबल ग्लास पैनल्स प्रोवाइड किया है। इसके अलावा पैनल्स की आफ्टर सेल सर्विस है या उसकी जो वारंटी है वो बहुत जबरदस्त है, आपको 24 से 48 घंटों में आपका पैनल जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो 40 हॉर्स पावर पे सराउंडिंग के अंदर जिनका ट्यूबवेल्स है उनका कहना है कि यहाँ पे हमारे अगर 40 हॉर्स पावर की मोटर है तो यहाँ पे 70 से 72 पैनल जो है वो लगे हुए हैं। इनको भी 70 से 72 पैनल ही रिकमेंड किए गए थे, ये हमसे भी 70 से 72 पैनल ही लेके आए थे, लेकिन जब इन्होंने 60 पैनल के ऊपर ट्यूबवेल्स को रन किया तो जो पानी का प्रेशर था या जो डिस्चार्जिंग थी पानी की वो बहुत जबरदस्त थी, आउटलेट बहुत जबरदस्त था, तो इन्होंने यहाँ पे फिर 60 पैनल्स को ही लगाया, बाकी पैनल्स घर में इंस्टॉल किए हैं। जी, मेरे साथ अर्शद साहब मौजूद हैं जो इस ट्यूबवेल के ऑनर हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये डॉट एनर्जी में किस तरह से मुतमिन हुए जब इन्होंने इंस्टॉलेशन मुकम्मल की और पानी की डिस्चार्जिंग के बाद जब पानी इन्हें मिलना शुरू हुआ सोलर पैनल से, ये किस हद तक मुतमिन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अर्शद साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, नाजरीन को बताएं आप डॉट एनर्जी भी किस तरह से मतलब? जब हमने ये डिसाइड किया था कि हमने सोलर पे अपना सिस्टम शिफ्ट करना है, तो मार्केट हमने विजिट किया, लोगों के ये सिस्टम लगे हुए थे, मुख्तलिफ टाइप्स की जो प्लेट्स हैं वो लगी हुई थी, हमने उनकी एफिशिएंसी देखी। मेन चीज इसमें होता है आपकी एफिशिएंसी और आपकी मार्केट प्राइस, जो कैपिटल कॉस्ट इस पे आ रही होती है, उन चीजों को ही कंपेयर किया जाता है। तो वो मार्केट से चेक करके जो सिस्टम इंस्टॉल हुए थे ट्यूबवेल्स पे, उनको हमने एनालिसिस किया कॉस्ट वाइज और एफिशिएंसी वाइज, तो ये एक डॉट जो है एक नई प्रोडक्ट थी मार्केट में, इसकी एफिशिएंसी के बारे में हमें पता चला। इसकी इंस्टॉलेशन एक दो जगह पे हुई थी, मेरे एक दोस्त हैं जाने वाले, उनके घर पे हुई थी, वहां जाके हमने चेक किया। एक और ट्यूबवेल है हमारे नेकबरिंग में, वहां पे लगी हुई थी, वहां हमने ये चेक किया तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आ रही थी, और इसकी जो प्राइस थी कंपैरेटिवली दूसरे जो भी पैनल मार्केट में चल रहे हैं, जे ए कैनेडियन है, लॉन्जी है, उससे ऑलमोस्ट एन टाइप की 8 से 10 रुपए पर वाट लेस थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर अपने एक दोस्त से कोऑर्डिनेशन की, जिसने अपने घर पे भी ये इंस्टॉल किया हुआ था, उसको फिर हमने जाके थॉरली चेक किया, उसकी एफिशिएंसी चेक की, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर हमने एक ट्यूबवेल का मुआयना किया, ट्यूबवेल पे भी जाके देखा, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी। फिर एक चार्ट इन्होंने एक प्रोवाइड किया जिसमें इसके वोल्टेज, इसकी एफिशिएंसी सारी चीजें थी, तो उस चार्ट के हिसाब से फिर हमने फिजिकली इसको मॉनिटर किया, तो वो बिल्कुल ही अपने मियार पे पूरी उतर रही थी, तो फिर हमने इसको परचेज करने और इंस्टॉल करने का डिसाइड किया था। अच्छा, ये तो बिफोर इंस्टॉलेशन आपने जो है वो सारी चीजों को मॉनिटर किया, अब एक महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, आपने इंस्टॉलेशन यहाँ पे मुकम्मल की हुई है और उसके बाद आपका ट्यूबवेल चल रहा है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? और इसके अलावा इस वक्त आपको एफिशिएंसी कितनी अच्छी मिल रही है? जी, वो सीन ये है कि जब ये प्लेटें हमने परचेज कर ली, जो इंस्टॉलर थे वो इससे अनअवेयर थे, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्जी और जे ए और कैनेडियन वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे ट्यूबवेल पे, तो उन्होंने हमें बहुत मिसगाइड किया कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी, आप 60 पैनल्स लेके आए हैं, आपको एटलीस्ट 72 पैनल लगाने पड़ेंगे। परचेज हमने भी 72 ही किए थे, क्योंकि हमारी 40 हॉर्स पावर की मोटर है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 100% तो एफिशिएंसी नहीं होती, लॉसेस वगैरह कैलकुलेट करके हमने 72 ही परचेज किए थे, लेकिन हमने अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो 60 पे की, और 60 पे अल्हम्दुलिल्लाह 40 हॉर्स पावर की मोटर जितना पानी हमें वापडा पे मिलता था उससे ज्यादा हमें विदाउट वापडा शेयरिंग डायरेक्ट सोलर पे ये मिल रहा है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आउट क्लास एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी इसकी? जी अर्शद साहब, आप एक चीज़ ये बताइएगा कि लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, जिस तरह आप बता रहे थे कि लोगों ने मिसगाइड किया पहले, तो अब तो मिसगाइड नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो लोग आते हैं क्योंकि हमारा ट्यूबवेल मेन रोड पे लगा हुआ है, ये पार्क पटन टुकुबोला रोड है, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मतलब लोग नहाने के लिए भी आते हैं, तो लोग रुकते हैं फिर पूछते हैं और अपने कंसर्न्स हैं उनके वही जो हमारे लगाने से पहले थे, तो जब वो ये फिजिकली चीज़ देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है कि हमें ये प्लेटें लेके दें, तो उनकी एफिशिएंसी की वजह से अभी इनकी जो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं हमारे लगाने के बाद भी, एक दो हैं ये ट्यूबवेल वाले जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनके। मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि ये डॉट लगाएं, एक इसकी एफिशिएंसी अच्छी है और मार्केट से इसकी प्राइस भी निस्बतन बाकी प्लेटों से कम है, चीज़ वही है उससे अच्छी आप कह सकते हैं, कम नहीं है। आप इनका पैरामीटर्स देखें, इनके वोल्टेज, इनकी एफिशिएंसी, इनके जो वाट हैं, इनके जो लॉसेज हैं दूसरों से कम है, एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस भी कम है, एक नई चीज़ है। आप इसमें ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई नई चीज़ आती है उसके अंदर वो दो नंबर नहीं होती, आपको ये जेन्युइन चीज़ मिलती है, और इसी चीज़ से ज़्यादा हम लोग इंप्रेस हुए थे कि मार्केट में हमने सुना था लॉन्जी और दूसरी प्लेटों का जो है ना मतलब लो क्वालिटी और दो नंबरी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये नई प्लेट थी, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको परचेज किया है, इसकी तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि यही मतलब लगाएं। इसके बाद में इसमें ऐसा कोई भी चांस नहीं होगा क्योंकि कंपनी खुद यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपने मैंने आपको जो है वो गाइड किया लम्हा बलम्हा और मुख्तलिफ पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड किए, तो आपने हम पे ट्रस्ट करते हुए आपने डॉट एनर्जी पे ट्रस्ट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई हुई है, हम आप और बहुत सारे ट्यूबवेल्स का विजिट करवाएंगे, आपको घरों का भी विजिट करवाएंगे, इवन के जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन हुई हुई है इस प्रोडक्ट की, तो आपको वहाँ पे भी विजिट करवाएंगे कि वहाँ पे या ट्यूबवेल्स पे या घरों के अंदर एफिशिएंसी किस तरह की मिल रही है। इसके अलावा अगर आप ये पैनल परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके पैनल्स परचेज कर सकते हैं, आप लूज में भी कम पैनल भी परचेज कर सकते हैं और बल्क क्वान्टिटी में भी आप पैनल परचेज कर सकते हैं। आप चाहे ट्यूबवेल्स के लिए लेना चाह रहे हैं या इंडस्ट्री में लगवाना चाह रहे हैं या घर में लगवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।